जज बनने के लिए एग्जाम और इंटरव्यू पास कर चुके हैं केरल के करीब 66 लॉ ग्रेजुएट को अब फिर से परीक्षा देनी होगी। इन कैंडिडेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। असल में इन लोगों की दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार और केरल हाईकोर्ट को यह आदेश दे कि उन्हें भविष्य में निकलने वाले खाली पदों में नियुक्ति दी जाए। असल में इन 66 लोगों को नियुक्ति इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने वैकेंसीज नोटिफाई नहीं की, लेकिन इन्हें बाकायदा एक साल की ट्रेनिंग भी दी गई जिसके बाद 22 कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फ्यूचर वैकेंसीज में उन लोगों की भर्ती नहीं कर सकती जिनका रिक्रूटमेंट पहले हुआ हो लेकिन किसी कारण से नियुक्ति नहीं मिली। जजों की बेंच ने साफ किया कि अगर ऐसा किया जाए तो फिर पिछली भर्तियों से ही आने वाली खाली पदों को भरा जाएगा, फिर उनका क्या होगा जो आने वाले बैच में एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, क्या उनमें फ्रस्ट्रेशन का भाव नहीं आएगा। इन सभी कैंडिडेट्स ने पिछले साल दिसंबर में ट्रेनिंग पूरी कर ली थी लेकिन उन्हें नियुक्तियां नहीं दी गई। अब इनकी पिछली मेहनत पर पानी फिर गया, नए सिरे से इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी।